हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में यहाँ पे हम लोग देखेंगे वरुण बेवरेजेस के बारे में। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी के थोड़े बहुत फंडामेंटल्स, फिर आते हैं हम लोग चार्ट पे और देखते हैं किन लेवल्स पर बाय करके यहाँ पे क्या टारगेट लिया जा सकता है। कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो कंपनी यहाँ पे पेप्सिको लिमिटेड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी होल्डर है। पेप्सिको के पास काफ़ी थी टेस्टी टेस्टी सॉफ्ट ड्रिंक या बेवरेजेस, और वरुण बेवरेजेस के पास थे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क जो कि यहाँ पे सस्ते दाम पे ये लोग ऑफर कर रहे थे, और उसी के बीच में ये लोग मार्जिन प्ले किए हैं और उसी के बीच में ये पैसा कमा रहे हैं। तो मतलब एक काफ़ी ब्रिलियंट इनका बिजनेस मॉडल था जो कि एक समय पर लगता नहीं था कि किसी को कि ये चीज़ हो भी सकती है। अब यहाँ पे देखा जाए मार्केट कैपिटल वाइज तो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। कई तरह के इनके अंदर आप लोग देखोगे ड्रिंक्स ये मैन्युफैक्चर करके आप डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिए, मतलब बेसिकली फ्रेंचाइज ही खरीदते हैं, वो ड्रिंक्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उससे थोड़ी बहुत इनको लेगेसी देते हैं मतलब ओरिजिनल कंपनी को जैसे पेप्सिको के हो गए, और बाकी का पैसा ये रखते हैं यहाँ पर जहाँ पे 12% इनकी मार्जिन बनती है। अब यहाँ पे कई तरह के आप लोग यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स देख सकते हो, शेक्स देख सकते हो, और पेप्सी के जितने भी ब्रांड्स हो गए सारे बना रहे हैं अभी फिलहाल ये। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो कंपनी की काफ़ी अच्छी है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 33% है यहाँ पे और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27% की है, मतलब बेसिकली कंपनी की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो 63% के आसपास है। प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ अभी भी बहुत ज़्यादा है इनकी 22% से, अगर ये मतलब समझ लो कि पिछले 3-4 साल से भी लगातार ये ग्रो कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे हम लोगों को मिल रही है। और प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से अगर स्टॉक की भी देखोगे तो वो भी यहाँ पे अच्छी है, ऑल्दो यहाँ पे 3 साल की ग्रोथ देखना जरूरी है, 3-5 साल की अगर ग्रोथ देखोगे तो उस हिसाब से यहाँ पे कंपनी के स्टॉक की पी जो है वो अभी यहाँ पे ठीक ठाक वैल्यूएशन पे हम लोग को मिल रही है ना, बहुत ज़्यादा सस्ती तो नहीं है, थोड़ा सा स्लाइटली कहेंगे ज़्यादा अपर रेंज के हिसाब से ही है, लेकिन फिर से वही चीज़ है कि अच्छी कंपनी सस्ते भाव पर हर समय तो नहीं मिलती है, और उस हिसाब से देखो तो कंपनी अभी भी एक अच्छे भाव पर हम लोग को मिल रही है यहाँ पर। कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पर डेट और रिजर्व की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पर देखोगे यहाँ पर आपके डेट्स यहाँ पर 3,800 CR के हैं और उसके अगेंस्ट में रिजर्व इनके 4,400 CR के हैं। अब यहाँ पे अगर आया जाए नीचे क्वार्टरली क्या देखना, मतलब क्वार्टरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंक्रीमेंट 2020 से 2023 के अंदर बहुत तगड़ा देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिसंबर से 2012 से अगर ट्रेलिंग पर मंथ के अंदर देखोगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए लगेगा, मतलब इतनी तेज़ी से इनकी सेल्स ग्रोथ हो गई और इतना कंसिस्टेंट रिटर्न इन्होंने प्रोवाइड किया कि मतलब मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी बन चुका है और भी देख के लग रहा है कि भी और रिटर्न प्रोवाइड भी कर सकता है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए तो ऑपरेटिंग मार्जिन इनके इम्प्रूव हुए हैं, इम्प्रूव होने के साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो नेट प्रॉफिट पे डबल इफेक्ट आया, मतलब सेल्स तो बढ़ी रही है, सेल्स के साथ साथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता आ रहा है। अब यहाँ पे नीचे आया जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 66 से 63 आई है, बट उसके अगेंस्ट में FIs की होल्डिंग बढ़ी है और DIs की होल्डिंग यहाँ पे 3% से कम हुई है। ओवरऑल देखोगे तो पब्लिक की होल्डिंग वहीं पे है, तो यहाँ पे FIs और प्रमोटर्स और DIs आपस में ही एक्सचेंज की है, बहुत ज़्यादा कोई चिंताजनक बात नहीं है ना ही कोई पॉजिटिव बात है। अब यहाँ पे बात किया जाए तो कल पहली चीज आपको देखने को जो मिलेगा वो है रहा है कंपनी के अंदर एक स्प्लिट, कंपनी के अंदर स्प्लिट होगा तो थोड़ा बहुत दाम गिरते हुए आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो अभी फिलहाल हमसे पूछोगे कल बाइंग करनी चाहिए कि नहीं, तो अभी थोड़ा दिन रुक जाओ, यहाँ पे हम लोग थोड़ा 2-3 दिन 1 हफ्ता वेट करेंगे, देखेंगे कि कंपनी का प्राइस कैसे मोमेंटम मिल रहा है, क्योंकि एक बार यहाँ पे अगर आप लोग का 2:1 पे यहाँ पे हो भी गया ना, मतलब स्प्लिट हो गया तो थोड़ी सी यहाँ पे भाव गिरेगी और उसके वजह से थोड़ी सी यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ेंगी तो कंपनी के मोमेंटम थोड़े से ज़्यादा बेटर होंगे फिर। तो यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं 1-2 दिन वेट करने के बाद, एक बार स्प्लिट हो जाए यहाँ पे प्राइस यहाँ पे फिक्स हो जाए, चार्ट यहाँ पे एडजस्ट हो जाए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए कि नहीं। अभी फिलहाल फॉर्मेशन देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन नजर आ रहा है, तो अगर कंपनी इसके नीचे जाती है 1500 मतलब उस समय तो प्राइस एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे उस हिसाब से अगर देखो तो फिर नीचे गिरती है तो कुछ समय के लिए हम लोग वेट करेंगे, कंपनी गिरने के बाद हम लोग दोबारा ऐड करेंगे। कंपनी अच्छी है तो बेसिकली आप लोग डिप यूज करके उसको बाय कर सकते हो, जैसे कि इस वाले डिप में अगर आप लोग बाय करते जब यहाँ पे लोग भाग रहे थे मतलब गिरावट में, तब आप लोग यहाँ पे बाय करते तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप लोग कमा के ले जाते, यहाँ पे काफी डिसेंट रिटर्न कमाते हैं। यहाँ पे इस वाले लेवल पे भी अगर आप लोग बाय कर लेते ब्रेकआउट पे तो अभी तक यहाँ पे 36% ऑलरेडी कमा चुके होते, तो एक बड़ा रिटर्न यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी मिल रहा है जो बाय किया होगा पहले ही, और अभी देखो तो गिरावट में एक और हम लोग को मौका मिल सकता है, अगर इन केस गिरा तो नहीं गिरा चढ़ेगा तो फिर से हम लोग बाय करेंगे। उस केस के अंदर कैसे बाय करेंगे, उस केस में आपको ये बेरिश पैटर्न आपको उसका फेलियर नजर आएगा बेरिश पैटर्न का, और जब बेरिश पैटर्न फेल होता है या बुलिश पैटर्न फेल होता है तो उसके अगेंस्ट में मोमेंटम करती है मार्केट, खास करके 1-2 दिन तो तेजी से मोमेंटम होती है, तो उस समय BTSC ट्रेडर्स भी बाय कर सकते हैं, ऑल दो इन केस दोनों मार्केट गिरती है तो फिर सारे तरह के ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स स्विंग ट्रेडर्स सब लोग बाय कर सकते हैं। तो लेट्स होप कि थोड़ा सा गिर जाए, हम लोग को भी बाइंग करने का मौका फिर से मिल जाए, अभी के लिए फिलहाल थोड़ा सा इसमें अवॉइड करेंगे 2-3 दिन के लिए सिर्फ, उसके बाद यहाँ पे हम दोबारा रिव्यू करते हैं, देखते हैं क्या चलता है।
इसी के साथ चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, बेल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना और अपना कैपिटल सेफ रखना। ओके बाय।